ओके गाइस, तो अब मैं करने जा रही हूँ अनरेडी विद मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो है अनरेडी विद मी और मैंने सारी अपनी जो पेंडिंग वीडियोस थी वो कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं जाऊँगी सोने। सोने से पहले जो ये मैंने मेकअप किया है उसे मैं रिमूव करूँगी, अपनी स्किन को क्लियर करूँगी ताकि मेरी स्किन क्लियर रहे, साफ रहे, उस पर कोई पिंपल ना आ जाए। और मेक श्योर आप जब भी मेकअप करें तो अपना जो फेस है उसे अच्छे तरीके से क्लीन करके सोइएगा ताकि आपको आपकी स्किन हाइड्रेटिंग रहे, आपको कोई भी ऐसा पिंपल ना उगाए जो आपको आगे परेशान करे, ठीक है। बाकी उगने वाले तो उग जाते हैं, पहाड़ के सीना पत्थरों का वो पंजाबी में है, उगण वाले उग पेंदे ने पहाड़ के सीना पत्थरां दा। सो मैं बड़ी गंदी सिंगर हूँ तो यस, अपने ब्रश क्लीन करिए, अपना मेकअप क्लीन करके रखिए तो आपको पिंपल होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मैं अपने इयररिंग्स जो है वो उतार दूंगी। ये वाला जो सामान है वो मैं सुबह इकट्ठा करूंगी क्योंकि अभी मैंने आ रही है नींद, मेरी बीच बीच पे पंजाबी भी निकल जाती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। लेकिन मुझे पंजाबी बहुत पसंद है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मुझे पंजाबी में बात करना ना लय बन जाती है, बढ़िया लगता है। सो अब मैं अपने लेंसेज उतार लेती हूँ। लेंसेज उतारने के लिए मैं उसका केस है जो वो खोल लूँगी। यस, अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी आप अपना धो के रखिएगा। अब हम उतारेंगे अपने लेंसेस, ये ऐसे करिए। जब मैंने ना यार पहली बार लेंस पहने थे और मैंने पहली बार उन्हें उतारना डालना इतना मुश्किल नहीं लगा जितना मुझे उतारना मुश्किल लगा। मैंने इतनी बार उसको अपनी आँख में की कहते हैं चूंडी चूंडी नू की कहते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं चोट पता नहीं क्या कहते हैं, वो काटी करिए देख के ठानिया फिर सही तल है। अब क्या करना है, इसे मेरे इस बॉक्स में ही आइए, यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। जैसे ना एक पे वो काजल सा लगा हुआ है उसे ना उतार देंगे, वो लेंस खराब कर देगा मेरा ना। आज कितनी तारीख हो गई है, अब ये मेरे 1 मंथ वाले हैं, 1 मंथ चलेंगे ये, उसके बाद ये इरीटेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे आप अपने हाथ हथेली पर उतार लीजिए। ना पहले पहले मुझे लगता था डर भाई खराब ना हो जाए, भाई खराब, ठीक है। हथेली पे ऐसे क्लीन कर लीजिए इसे और फिर उसके बाद न्यू वाटर डालिए, अपने फिर पीजिए उन्हें अच्छे तरीके से क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। तो फिर क्लीन करके इन्हें ऐसे रखिए, क्लीन करके रखोगे ना तो अच्छा चलते हैं। क्लीन करके अच्छे तरीके से भर दीजिए उन्हें क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ना पानी सूख जाता है। हो गया मेरे लेंस पहले, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा अपना फेस को क्लीन। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये है बेबी वाइप्स लिटल्स एक्सपर्ट बेबी केयर सिंस 1980। ये ना गाइस लिटल वाला जो है लिटल ब्रांड है ये लिटल्स, और ये बहुत अच्छा ब्रांड है अगर आपको आपके बच्चे हैं घर पे छोटे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ से डाइपर मंगवाई, आप मानोगे डाइपर इतना अच्छा डाइपर है इनका और प्राइस भी ठीक है। मुझे 54 डाइपर्स 500 रुपये के पड़ते हैं, 54 ही होते हैं तो ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे हमसे। तो यही चीज़ अगर आप अपना वहाँ से मंगवाओगे ना पैम्पर से या फिर मैमी पोपो पैंट्स से या बड़े ब्रांड है, जो क्या करना होता है बच्चे सुसु करना होता है, बस ये होता है कि सॉफ्ट हो, है ना, बच्चे की स्किन को कोई भी इफेक्ट ना करे। बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऐसे नहीं होता बेकार से हो गए ना, अच्छी क्वालिटी के नहीं। अमेजोन पे भी हैं, फ्लिपकार्ट पे भी हैं, ऐसी ऐसी पैकिंग होती है उनकी, ऐसी मतलब कि ब्लू कलर की, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकती हैं। मैं तो अब वहीं से मंगाती हूँ, पैम्पर वगैरह का वो ही चीज़ उतनी ही क्वांटिटी 1000 से ऊपर चली जाती है, ये 500 का आपको इतना बड़ा पैक दे देते हैं और क्वांटिटी क्वालिटी भी वैसी है, फिर हम क्यों इतने पैसे लगाएं। बच्चे ने तो सुसु ही करना है, आपको वही सॉफ्टनेस मिल रही है, सब कुछ वही मिल रहा है, पैंट्स होते हैं नाले, कोई ऐसे नहीं होता कि वो चेप्पी सी लगानी होती है, पैंट्स होती है प्रॉपर,
अच्छा लगा मुझे तो। मैं तो अभी अब से जितने भी मुझे मेरी सहेलियाँ वगैरह हैं ऑफिस में हैं या फिर मेरे कोई भी जान पहचान के हैं जो जिनके बच्चे छोटे हैं, मैं तो उनको सभी को यही रेकमेंड करती हूँ कि आप ये वाला ले लो, क्योंकि मुझे हो गए 6-7 महीने पहर यूज़ कर रही है इन डाइपर्स को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बड़ा अच्छा काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बेकार है या फिर आपके बच्चे की हाश हो जाएंगे या रैशेज तो यार उनके साथ भी हो ही जाता, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को क्लीन नहीं करोगे पोटी करके वो बीच में फिरेगा, आप कई बार ध्यान नहीं देते ना, काम में मस्त हो जाते हैं हम, नहीं पता लगता कई बार ही, तो फिर कितना भी अच्छा ब्रांड क्यों ना हो, ठीक है ना, रैशेज तो फिर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये देखो इतना गंदा हो गया, ये देखो फेस वॉश यूज़ करने जा रही हूँ, ये मैं मामा अर्थ का उपटन वाला, ठीक है, मैंने एक बार खोला हुआ है ये बस आपको दिखाने के लिए, मैंने फिर दोबारा से पैक करके रख दिया था। ये इसमें ना ये देखिए एप्रिकॉट, एप्रिकॉट लिखा हुआ ना, ये देखिए इसमें पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे से, जैसे वो नहीं होता स्मेल, बड़ी अच्छी है यार इसकी, फेस वॉश करके आनी, ठीक है, वेरी हॉट हॉट, रेड होगी मेरी सारी, पानी बहुत गर्म सीगा, ठीक है। अब ये उटन का बॉडी लोशन है, मैं यही लगा लेती हूँ, थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी स्किन, कोई बात नहीं। अच्छी है, सॉफ्ट है पूरा और शांति मिलेगी, गुड 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 गुड, कहा जो नित्र चंकी तरह सब कुछ। ओके मैं लगा लूँगी लिप बाम, ये मैं लगाऊंगी पार्टी की लिप बाम। ओके डन, तो ये होगी मेरी आज की स्किन केयर रूटीन, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, बी हैप्पी।